हेलो स्टूडेंट, आपने पिछली क्लास में न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन प्लांट और डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री के अलावा ह्यूमन बींग्स, ये सब टॉपिक पढ़े थे। लेकिन जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रेस्पिरेशन, स्टेप्स ऑफ सॉरी रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कौन कौन से एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन की। किसकी बात करते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस, याद रखना है, बायोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन या बोल सकते हैं यूटिलाइज ऑफ फूड होगा। क्या होगा? यूटिलाइज ऑफ फूड होगा इसमें, याद रखना। जब यूटिलाइज ऑफ फूड होगा तो क्या होगा? रिलीज एनर्जी। क्लियर है? योगी रिलीज एनर्जी हम बोल सकते हैं। क्या? यूटिलाइज ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। ये पर एक कैसी है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्लियर है? बायोकेमिकल में कौन सी, याद रखना, मेटाबॉलिज्म का पार्ट आता है। कैटाबॉलिक, कौन सी? कैटाबॉलिक प्रोसेस, कौन सा? कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है इसमें। कौन सी होती है? कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्लियर है ना? कौन सी रिएक्शन होगी इसमें? कैटाबॉलिक रिएक्शन। याद रखना है, रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस इन व्हिच यूटिलाइज ऑफ फूड, इन व्हिच यूटिलाइज ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। क्लियर है? इसमें क्या होती है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, सिंपल फूड, जिसके कारण ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड या कार्बोहाइड्रेट, लिख सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन, और लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड रिलीज एनर्जी, जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जब ऑक्सीडेशन कार्बोहाइड्रेट होगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा, इसमें क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ये हो गया आपका रेस्पिरेशन। क्लियर है? रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस इन व्हिच यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी। क्या बोल सकते हैं? इट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। इन दिस कैटाबॉलिक रिएक्शन इसके में क्या होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसके साथ एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जो होती है मोर अमाउंट में होती है, याद रखना, या लेस अमाउंट में, वो कैसे कैसे होती है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे हम। क्लियर है? इसके बाद आता है स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। क्या आता है? स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? देखते हैं, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहले ब्रेक डाउन ऑफ फूड। क्लियर है? स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन सबसे पहले ब्रेक डाउन ऑफ फूड होना है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो होता है वो शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं हम, और कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? ये होता है कार्बोहाइड्रेट। इसमें जब क्या होता है, इन साइटोप्लाज्म क्या होगा, ये पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पाइरुविक एसिड, याद रखना है आपको, पाइरुविक एसिड, या बोल सकते हैं आप पाइरुवेट। क्या होता है? और बोल सकते हैं आप पाइरुवेट। क्लियर है ना? क्या है? ग्लूकोज जो होता है, ब्रेक डाउन स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन सबसे पहला प्रोसेस है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। इसमें ग्लूकोज जो होता है, क्या, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, वो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, पाइरुविक एसिड में ब्रेक हो जाता है, फूट जाता है। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में हम बोल सकते हैं फैट ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, या बोल सकते हैं पाइरुविक एसिड। क्लियर है ना? पाइरुविक एसिड, ये पाइरुविक एसिड का अंत लास्ट जो होता है वो कहां पर होता है, इन, कहां देखने मिलेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर? इन माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखोगे, इन माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, पाइरुविक एसिड से आपको क्या निकलेगी, विद द प्रेजेंस, ये होगा आपका CO2। क्या रिलीज होगा? CO2। क्लियर है ना? कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखना, फेट ऑफ मतलब पाइरुविक एसिड का अंत लास्ट कहाँ होता है,
इन माइटोकॉन्ड्रिया, कहां पर देखने को मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें CO2 प्लस वाटर रिलीज होता है, उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कहते हैं H2O प्लस एनर्जी भी रिलीज होती है लास्ट। क्लियर है, ये होता है लास्ट स्टेप होता है। इसके बाद एक और स्टेप बचता है, फर्स्ट हो गया आपका ब्रेक डाउन फूड, सेकंड हो गया पेट ऑफ पाइरूविक एसिड, और लास्ट होता है आपका रेस्पिरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। ये तो हमारा हो गया पाइरूविक एसिड कैसे कैसे ब्रेक होता, कहां कहां होता है। पाइरूविक एसिड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है ना। इसके बाद हम देखते हैं ये कंप्लीट कैसे होता है। अब देखो हम ये दो स्टेप हो गए, थर्ड स्टेप आता है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व आता है इन्वॉल्व। इसमें क्या देखने को मिलता है आपको रेस्पिरेशन इन्वॉल्व में, पहले ब्रीथिंग देखने मिलेगी। ब्रीथिंग याद रखना एक फिजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस। क्लियर है? यस, ये फिजिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इनटेक एंड आउट, किसका इनटेक होगा ऑक्सीजन का, आउट मतलब CO2, या बोल सकते हैं इनहेलेशन, मतलब ऑक्सीजन कैसे लेते हैं हम, एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर जानते हो आपको, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, अगर से हमारे एटमॉस्फेयर एयर में ऑक्सीजन होती है, उससे हम ब्रीथिंग के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और हम जो रिलीज करते हैं वो CO2 रिलीज करते हैं। कहाँ से? नॉस्ट्रिल से लेके लंग्स, और लंग्स से लेके नॉस्ट्रिल, जो भी हम लेते और छोड़ते हैं वो एक ब्रीथिंग कहलाता है, सांस लेना और सांस छोड़ना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये हमारा किस आता है ब्रीथिंग में, ब्रीथिंग आता है, इसको बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। क्लियर है? Yes. अब ये ब्रीथिंग हो गया आपका कंप्लीट, ब्रीथिंग के बाद आता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या आता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी में सबसे पहला ब्रीथिंग हो गया, नंबर टू सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है देखते हैं हम। सेलुलर रेस्पिरेशन में आप देखोगे कि ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होगा, किसमें होगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ये आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। ये कहाँ देखने को मिलता है? इन द सेल, इन द सेल। ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, सेलुलर रेस्पिरेशन में बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ये फिजिकल प्रोसेस होता है। बायोकेमिकल प्रोसेस में ग्लूकोज जो होता है इंदा सेल को ब्रेक डाउन होता है, सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है, ये मैंने अभी बताया था आपको। सबसे पहले ब्रेक डाउन कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म में, जिसमें ग्लूकोज जो होता है पाइरूविक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर उसके बाद कहां बताया था मैंने? माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था। कहां बताया था? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हो गया आपका सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रीथिंग। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्या आता है? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में आते हैं, सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। क्लियर है ना? Yes. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहले आता है एरोबिक। एरोबिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, इन द प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन की, ये मोस्टली एनिमल में देखा जाता है, ये मोस्टली एनिमल में देखा जाता है। ह्यूमन प्लांट, ऑर्थोपोडा, प्लेटिहेलमिंथस और आपका काइनोमेटा, कॉर्डेटा, इन सभी एनिमल में देखने को मिलता है। कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है? देखो आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें ब्रेक हो जाता है? सबसे पहले अगर हम बात करें टू स्टेप में, तो सबसे पहले हम बताते हैं ये कहाँ देखा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में देखा जाता है, सॉरी साइटोप्लाज्म देखा जाता है पहला प्रोसेस। साइटोप्लाज्म में क्या होगा? पाइरूविक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? पाइरूविक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? पाइरूविक एसिड जो होता है वो क्या होगा? 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, इसमें रिलीज होती है एनर्जी। इस तरीके से पाइरूविक एसिड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसके साथ साथ एनर्जी। याद रखना एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी होती है वो मोर अमाउंट में
रिलीज होती है या मोर अमाउंट में रिलीज होती है एनर्जी, किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्या होता है C6H12O6 प्लस हमने ऑक्सीजन प्रेजेंस बताया था, ऑक्सीजन प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन मूड कहां पर शुरुआत कहां से होती है? साइटोप्लाज्म से होती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। और वो 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पाइरूविक एसिड के वो माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन होते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है। इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हुआ है? ये हुआ आपका किसका? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, एनर्जी मोर अमाउंट में। ये था एरोबिक रेस्पिरेशन, मैंने आपको बता ही दिया था। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन जो होता है वो मोस्टली एनिमल में देखा जाता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है आपका एनर्जिक रेस्पिरेशन। सेकंड आता है एनर्जिक रेस्पिरेशन, देखते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? दो स्टेप आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन ईस्ट की, किसकी? इन ईस्ट में क्या देखने मिलता है आपको? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना है एनर्जी रेस्पिरेशन लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? yes. ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या देखने मिलता है? ये C6H12O6। क्लियर है? yes. तो क्या करते हैं, पाइरूविक एसिड टूटता है पाइरूविक एसिड में। उसके बाद वो पाइरूविक एसिड कहां पर बनता है? साइटोप्लाज्म, वही चीज आ जाती है। इसके बाद ये पाइरूविक एसिड जो होता है ब्रेक होता है पाइरूविक एसिड, ये किसमें बनता है? आगे चल के ये एथेनॉल बनता है C2H5OH। क्लियर है? yes. C2H5OH 2 मॉलिक्यूल एथेनॉल के बनते हैं। एथेनॉल याद रखना, एथेनॉल प्लस 2CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी भी रिलीज होती है। क्लियर है? पाइरूविक एसिड जो होता है वो एथेनॉल में ब्रेक हो जाता है, एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसे ब्रेक डाउन होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का रिलीज होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा हम बोल सकते हैं, ये हो गया इनिस्ट में किस तरीके से होता है। कार्बन जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पिछले में ऑक्सीजन प्रेजेंस थी लेकिन इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर इनिस्ट से थोड़ा सा हटके चले तो एक होता है इन मसल्स। इन मसल्स में देखो कैसे देखने मिलता है, इन मसल्स में क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहां एब्सेंस थी यहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये जो होती है एनरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है मसल्स में, वो शॉर्ट टाइम या शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। याद रखना आपको, क्या शॉर्ट टाइम या शॉर्ट पीरियड के लिए मसल्स में क्या होता है? एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारी बॉडी में मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब ये एनरोबिक रेस्पिरेशन देखा जाता है। किसमें? मसल्स में। कब? लैक ऑफ ऑक्सीजन। कैसे? C6H12O6 प्लस बोल सकते हैं आप, तो वही साइटोप्लाज्म है आपका, और क्या लिखोगे? पाइरूविक एसिड बनेगा, पाइरूविक एसिड फर्स्ट कंडीशन में पाइरूविक एसिड, या बोल सकते हैं पाइरूविक, और वो पाइरूविक एसिड जो होता है, पाइरूविक एसिड जो होता है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? पाइरूविक एसिड जो होता है वो लैक्टिक एसिड में 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, किसके? लैक्टिक एसिड CH3COH, इस तरीके से क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। ये होता है आपका लैक्टिक एसिड, इसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। क्लियर? yes. हम सीधी सी बात, ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है पाइरूविक एसिड जो होता है वही, फिर उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। कब? शॉर्ट टाइम के लिए, जब उसमें मसल्स में एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। याद रखना है एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर एन अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनरोबिक रेस्पिरेशन में या बोल सकते हैं लेस अमाउंट या कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी को हम किसमें प्रेजेंट करते हैं? एटीपी में। किसमें? एटीपी में। एटीपी मतलब कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है इसको, एनर्जी को। इस फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर हम एक बार सिंपल यूज करके देखते हैं
उनकी रिएक्शन को कैसी कैसी इक्विटी मिल सकती है, हमें टाइप ऑफ गैस दे सकते हैं। वो सबसे पहले एरोबिक है, एरोबिक आपको पता ही है कहाँ देखने को मिलता है, मोस्टली एनिमल में। मोस्टली एनिमल में क्या देखने को मिलता है, C6H12O6 और क्या होगा, CO2 + C2H2O + एनर्जी। ये आपकी कॉमन क्या है, रिएक्शन है किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की। किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की। और एरोबिक रेस्पिरेशन की बात आता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं इन ईस्ट में क्या देखने मिलता है। इन ईस्ट में आपको देखने मिलेगा C6H12O6, इसको बोलेंगे 2C2H5OH, हम बोल सकते हैं एथेनॉल, क्या बोलेंगे इसे, एथेनॉल। और एथेनॉल के बाद 2CO2 रिलीज होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ एनर्जी। इज दैट क्लियर? यस। ये आपका, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इन मसल्स की, इन मसल्स में आपको क्या देखने मिलेगा, इन मसल्स में आपको देखने मिलेगा C6H12O6, इसमें क्या देखने मिलेगा 2CH3CHOH C2H, ये टू मॉलिक्यूल बनेंगे लैक्टिक एसिड के। किसके, लैक्टिक एसिड के, जिसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होगी। ये आपकी इक्वेशन है किसकी, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की। ये आपका जो रेस्पिरेशन टॉपिक क्लियर हो गया, स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन हो गया, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक एंड एनारोबिक, ये आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे आप, डिफरेंट ऑर्गेनिक में प्रोसेस कैसे कैसे होता है, किस तरीके से आप रेस्पिरेशन करते हैं, उनके लिए कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिससे वो रेस्पिरेशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप ये पढ़ोगे। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स भी पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में। इज दैट क्लियर? ये आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, क्लियर?